हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू ओबीपीडीएम। और भैया पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों इतना मान सम्मान और इतना पसंद किया आपने सिंपल इंटरेस्ट की उस वीडियो को। उसी सीरीज़ का आज मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है स्टूडेंट्स कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड, बिकॉज बिना सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट के कैसे एग्ज़ाम दोगे, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आते हैं इसके, ठीक है। और दूसरी बात, सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा आसान है एज़ कम्पेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट। वो क्यों आसान है वो आज के लेक्चर के बाद आपको पता चल जाएगा। एक से एक ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं। और प्लीज़ लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो को भी प्लीज़ अपना प्यार दीजिए और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इन्जॉय कीजिए लेक्चर को। एक्चुअली आई मस्ट से बिकॉज क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। जो मॉडरेटेड लेवल के क्वेश्चन अब आ रहे हैं ना या पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, ये वही लेवल है एक्चुअली जो मैं आपको करवा रहा हूँ। क्लियर? सो प्लीज़ वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। चलिए उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। चलिए नबार्ड ग्रेड ए 2021 की मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, अभी पीडिया ने क्लीन स्वीप किया था ऑलमोस्ट। देखिए कितने सारी सिलेक्शंस थी, बहुत नंबर ऑफ सिलेक्शंस थी हमारे पास इसी सीरीज़ में। नेक्स्ट अगर मैं नबार्ड ग्रेड ए 2022 की बात करूँ, 45 सिलेक्शन थी 2022 से इसमें। अब इससे ज़्यादा प्रूफ क्या चाहिए कि यहाँ पे बहुत कुछ अवेलेबल है अगर आप करें तो। देखिए कितने सारे मुस्कुराते हुए चेहरे ऑफिसर्स के। तो क्या आप नहीं ऑफिसर बनना चाहोगे? बिल्कुल बनना चाहोगे। तो मैं चाहता हूँ जो ये वीडियो देख रहे ना उस हर बच्चे की यहाँ पे फोटो लग सके जो डेडिकेटेड है इस पोस्ट को लेके। क्लियर? सो कैसे लगेगी वो आपको बताऊँगा लेक्चर के एंड में। बट कुछ अलग करोगे तब सीट मिलेगी, मैं अभी बता रहा हूँ। कुछ क्वालिटी का पढ़ेंगे तब सीट मिलेगी, तब हम ऑफिसर बनेंगे। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन इज अ सर्टन सम इज डिपॉजिटेड फॉर 4 ईयर्स एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान रखिए अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ चल रहा हूं, अब मैं सिंपल इंटरेस्ट के केसेस को खत्म कर चुका, अब कंपाउंड इंटरेस्ट चलेगा सारा का सारा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एंड दैट ऑफ द 4 ईयर इज 5082। अब बच्चे मैक्सिमम बच्चे इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूले में घुस देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे बट मेरे तरीके से। क्लियर? देखो कैसे, अब मेरी बात सुनो। अगर मैं 10% की बात करूं, 10% का मतलब कितना, 1/10। क्लियर है? इसका मतलब अगर मैं 2 साल की बात करूंगा, जो चीज 10 थी वो 11 होगी, 2 10 थी वो कितनी होगी, 11। यानी जो 100 रुपए थे वो 2 साल बाद आपको इसे 121 रुपए देंगे एज एन अमाउंट। यानी 21 रुपए क्या हुआ मेरे पास यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा जी, अगर 4 ईयर की बात करूंगा मैं तो वही चीज क्या होगी, 10 से 11 और 10 से 11। यानी ये क्या होगा, 10,000 और 14641। क्लियर? बट अब यहाँ पे थोड़ी सी अलग बात है। क्या, देखो यहाँ पे अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूँ, प्रिंसिपल कितना अपना 10,000, यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करूँ प्रिंसिपल कितना बेटा 100 रुपये। बट प्रिंसिपल हैज़ टू बी सेम जब मैं कह सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ। तो क्या करो, इस इक्वेशन को किससे गुणा कर दो, आप 100 से गुणा कर दो तो ये कितना हो गया, रेशो 1:1:00, 10,000:12,100। ठीक है, इसका मतलब अगर मेरा प्रिंसिपल 10,000 था, 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो गया, 1:1:00। अगर मेरा प्रिंसिपल 10,000 था तो मेरा अमाउंट 4 साल के बाद कितना हुआ, 14,641। यानी 14641। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5082। इसका मतलब 14641 माइनस ऑफ 1:1:00। देखो ये कितना हो गया, 4641 माइनस ऑफ 2:1:00। ये कितना रह गया, 41 कितना रह गया, 2541। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे कितना दिया, इसकी वैल्यू कितनी दी है मुझे, ये ना हो के अमाउंट कितना दिया जो डिफरेंस है, क्या ये दोगुना है, बिल्कुल दोगुना है। तो बेटा प्रिंसिपल भी क्या होगा, दोगुना कितना हो जाएगा। अब बताओ मैंने कहाँ पे इसमें फॉर्मूला यूज़ किया है, कहीं पे भी इसमें फॉर्मूला यूज़ नहीं हुआ है, मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से किया है जो मैं डे वन से चलता आ रहा हूँ। क्लियर? सो प्लीज़ ऐसे तरीकों के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। चलिए जी
देखिए असम इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 7,800 इन 3 ईयर्स एंड 11,232 इन 5 ईयर्स. व्हाट इज रेट परसेंट? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. देखो सबसे पहली बात, अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. क्या इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगने को कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है? बेसिकली यस, द आंसर इज यस. देखो प्रिंसिपल था वो 3 ईयर में कितना हो गया स्टूडेंट्स? 7,800 हो गया. और वो कह रहा है कि 5 ईयर्स में, यानी अगले 2 साल में क्या चेंज हुआ मेरे पास? जो 7,800 था वो कितना हो गया? 11,232. क्लियर? देखो 10,000 के लिए कितना चाहिए? 2,200. तो ये कितना हो गया? 3,200. देखो 2,200 प्लस 1,232, ठीक है जी. तो ये कितना हो गया? 3,432. इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि अगले 2 साल में जो बेसिक मुझे इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला होगा? 3,432 का. हाँ जी, क्लियर. कितने पे आप कहोगे सर? कितने पे आप कहोगे सर? 7,800 पे गुना ऑफ 100%. जब टाइम 2 साल हो, इसको कैलकुलेट करने में क्या दिक्कत है? फटाफट करिए जरा कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करो, बताओ ये कितना आ रहा है मेरे पास. फिर मैं बताऊंगा कि इसमें 26, 20, 15, 18 में से मेरा उत्तर क्या है. करें कैलकुलेट जरा इसको. देखो अगर मैं इसको 4 गुना गुनूं, तकरीबन जा रहा है कि 4 पे जा रहा है, 7 चौके 28. देखो 78 × 4 कितना होगा? 80 − 2 × 4 320 − 8 312 आ गया, यानी 3,120. अगर इसमें 312 जोड़ दूं मैं, 2,343, इसका मतलब किस पे जा रहा है? 44. यानी मुझे ऑल अराउंड कितना मिल रहा है? 44. अब आपको पता होना चाहिए कि जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का सक्सेसिव रेट के लिए लगाता हूँ, a + b + ab/100, वो कितना होता है? अगर 20% हो, 20 + 20 + 20 × 20/100, तब मुझे क्या मिलेगा? 44%. इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गया? ऑप्शन नंबर बी 20% इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन. क्लियर? सो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ा, मैंने पकड़ लिया क्वेश्चन को. क्योंकि अगर आप कंपेयर भी करना चाहोगे ना, तो फिर भाई दिस अपॉन दिस, फिर भी आपको यही मिलना है. कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है. ये 3 साल का ले लो, 5 साल का ले लो. क्लियर है? 1 + r/100 / 5/3 दिस अपॉन दिस, जब भी आपका इतना नहीं आएगा. ठीक है, बस यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी कम है. चलिए जी, असम ऑफ मनी वॉज बोरोड एंड पेड बैक इन 2 equal installments of 980 each अलाउइंग 4% कंपाउंड इंटरेस्ट द सम नियरेस्ट टू बोरोड वॉज. करिए, इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है. देखो सबसे पहली बात, 4% का मतलब क्या है? आप कहोगे सर 4% का मतलब होता है 1/25. क्या 4% 1/25 होता है? बिल्कुल. देखो अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल एंड, देखो पहले मैं बता देता हूं आपको. देखिए 25 था तो 26 और इंस्टॉलमेंट. अगर ये 2 साल है तो 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर. 3 होता तो मैं क्यूब कर देता, बट 3 के लिए वो ऐसा डाटा देगा नहीं, बहुत रेयर है आपको दे. यानी जो मेरे पास प्रिंसिपल 25 था, उसके इंस्टॉलमेंट कितने? 26. जो 625 था वो क्या है? 676. अब इंस्टॉलमेंट हमेशा याद रखिएगा, आपके पास इंस्टॉलमेंट हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, यानी सेम रहती है. इसका मतलब क्या है? किसको भी किससे गुना कर दो, 26 से. तो 26 × 25 कितना हुआ? 650. और ये कितना होगा? 676. और ये कितना होगा? 625 और 676. इसका मतलब शुरू में अगर मैंने 650 देने थे, पहले इंस्टॉलमेंट कितने की दी? 676. 625 था तब भी 676. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? एनुअल इंस्टॉलमेंट और 980. इसका मतलब 676 यूनिट की वैल्यू कितनी दी आपको? 980. ए की वैल्यू कितनी है? 980/676. तो मुझे क्या बोल रहा है? द सम बोरोड वॉज, ये कितना हो गया? 5, 7,
तो 1275 की वैल्यू बतानी है, तो 980 डिवाइडेड बाय 676 टू 1275, आपको ये बेसिकली निकालना है, ठीक है। चलिए देखो, अब इसको जरा कुछ नियर अबाउट वैल्यूज निकाल के देखें इसकी, उसने अप्रॉक्सीमेटली बोला ना मुझे। तो इसको अगर मैं लूँ 5, ठीक है, ये कितने पे जाएगा, 25 गुना 25 625, दो और मड़ा दो 27 पे गया, ठीक है, 25 पंजा 125 51 पे गया, तीन में 27 ये गया 17 टाइम्स, ठीक है। देखो 980, अगर इसको मैं 981 ले लूँ तो ये कितने पे जाएगा, 109 पे, तो 1700 प्लस 17 गुना 9 कितना 153, तो अप्रॉक्सीमेटली जो मेरा आ रहा है 1850 आ रहा है। ऐसे ऐसे अप्रॉक्सीमेशन में जब भी आपको ऐसा दिया ना, मैं तो बड़ा खुश हो जाता हूँ। नियरेस्ट टू टेंस मतलब अप्रॉक्सीमेशन में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, समझ आई बात। तो मैंने भी अप्रॉक्सीमेशन में ही मैक्सिमम बताया आपको क्या आप इसमें डिफरेंस कर सकते हो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जुड़ते हैं। चलिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोसेफ डिपॉजिटेड अ टोटल ऑफ 52,500 इन अ बैंक इन द नेम ऑफ हिज टू डॉटर्स एज 15 ईयर्स एंड 16 ईयर्स इन अ सच अ वे दैट दे वुड गेट इक्वल अमाउंट व्हेन दे बिकम 18 ईयर ओल्ड। इफ द बैंक गिव्स 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली देन व्हाट इज द अमाउंट दैट जोसेफ हैड डिपॉजिटेड इन द नेम ऑफ यंगेस्ट डॉटर, मतलब जो छोटे वाली डॉटर 15 साल वाली जो बेटी है उसके कितने पैसे जमा कराए होंगे। ये क्वेश्चन पेट है, आपको पता है ये पेट क्वेश्चन है, बट करेंगे कैसे इसको, इसको करेंगे कैसे ये देखना है मेरे को। देखो मैंने माना जो भी अमाउंट था, जो छोटे वाली बेटी है उसको मिला ए अमाउंट और बड़े वाली बेटी उसको क्या मिला, बी अमाउंट, है ना। छोटे वाली बेटी को ए अमाउंट और बड़े वाली बेटी को बी अमाउंट इसमें से मिलना था। अब अगर मैं छोटे वाली बेटी की बात करूं, उसको कितने साल के लिए मिलना था, 3 साल के लिए, और इसको 2 साल के लिए। 10% का मतलब क्या है कि जो चीज 10 थी वो 11 होगी, यानी जो छोटे वाली बेटी है उसको 3 साल के लिए मिलेगा ए इज इक्वल टू, और जो बड़े वाली बेटी है उसको 2 साल के लिए मिलेगा। बस इतना सा करना है, वरना जो माया जाल है ना फॉर्मूले का उझालेगा आपको, क्लियर। देखो अब क्या हुआ मेरे पास भाई, इस 2 से 2 कटा, यानी 11/10 ऑफ ए इज इक्वल टू बी, तो ए बटा बी कितना आ गया मेरे पास, 10/11 आ गया। ये बात थी समझने वाले की ए और बी का रेशो कैसे जनरेट करना है मुझे, क्लियर। अब ध्यान से सुनिए, ए बोन भी आ गया। अब दूसरी बात क्या बोल रहा है, टोटल मिला के 21 की वैल्यू कितनी है, कितनी है 5250। हाँ जी, क्या ये 5250 है, सो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5250 डिवाइडेड बाय 21, तो ये कितना हो गया 2105। तो क्या भाई 2500 गुना हुआ, बिल्कुल 2500 गुना हुआ। तो छोटे वाली बेटी के पास कितना था, 10 गुना 2500 कितना आ गया आपके पास, 25,000। बताइए मज़ा आया होगा, मज़ा आया होगा कसम से क्वेश्चन करके, मुझे पता है। देखो यार, देखो आउटडेटेड तरीके मैं भी बता दूँगा, PRTY 100। अभी 11/10 क्या था कि 10 मैंने लगाए तो 11 मिलने चाहिए, नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे क्यूब क्यों हुआ, ये नंबर ऑफ ईयर है और नंबर ऑफ ईयर है भी। तो ध्यान रखिएगा इस तरह क्वेश्चन को जब भी करेंगे, इसको ऐसे ही आपने सॉल्व करना है अच्छे तरीके से, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 18,000 बिकम्स 21,780 आफ्टर 2 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 5%। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, उसके बाद ही कुछ होगा। देखिए सबसे पहली बात भाई, 18,000 है वो कितना हो गया,
1780। चलिए स्टूडेंट देखिए, जो 18,000 था वो कितना हो गया, 21780। इसका मतलब अगर मैं इनको माइनस करूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, देखिए 3780 और डिवाइडेड बाई 18,000 इंटू ऑफ 100%, कुछ ऐसा ही है। तो ये कितना आ गया, 21% आ गया। मुझे अच्छे से पता होना चाहिए कि जब भी मेरे पास टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% आएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे पास, 10%। इसका मतलब न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे पास, 10+5 यानी 15% आ गया, आ गया 15%। अब दूसरी बात सुनो, अब वो कह रहा है भैया 18,000 का 15%, यानी देखो जब देखोगे 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15/100 यानी ये कितना आ गया, 32.25%। किसका, 18,000 का। तो 18,000 का क्या निकालना मुझे, 32.25%। देखो इसका 30% कितना होगा, 5400 होगा। तो भाई ये क्वेश्चन हट गया, सॉरी ये आंसर हट गया, हट गया, दो बचे हैं। तो देखो 18 × 36 = 360, तो यही बचा मेरे पास 5805, यही भी हट गया। बिकॉज जब 18,000 का 2% निकालूंगा 360 आएगा, 5454 प्लस आ गया, तो आंसर मेरा क्या गया, ऑप्शन नंबर सी। तो पेन भी नहीं चलना भैया इस क्वेश्चन में, तो क्लियर। चलिए चलिए भाई, डिवाइड रुपीज 66,300 बिटवीन ए एंड बी इन सच अ वे दैट अमाउंट दैट ए रिसीव्ड आफ्टर 8 ईयर्स इज इक्वल टू अमाउंट दैट बी रिसीव्ड आफ्टर 10 ईयर्स विद कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। देखो कई जगह ना ऐसे क्या होता है कि ए को कुछ दे दिया, बी को अमाउंट ए दे, अगर ए को मैंने एक्स माना है तो बी का क्या हो गया, 66,300 - x। ऐसा मत करो, बिकॉज मेरे पास एक डेफिनेट रेशियो आएगी, कैसे आएगी। देखो अगर मैं बात करूं, डिवाइड 66,300 बिटवीन ए एंड बी इन सच अ वे दैट द अमाउंट दैट ए रिसीव्ड आफ्टर 8 ईयर्स, यानी ए को कितने साल के लिए मिला भाई, 8 साल के लिए, यानी 1+10/100, ये 8 साल के लिए मिला ए को, इक्वल टू द अमाउंट बी रिसीव्ड आफ्टर 10 ईयर्स, यानी बी को जो अमाउंट मिलना है, जो भी अमाउंट था, अगर इसका आप एक्स मान रहे तो ये कितना हो गया, 66,300 - x, बट मैंने ए और बी लेके चला क्योंकि कैलकुलेशन आसान करनी है हमने, ठीक है, 10/100⁻¹। ये समझ आई बात, आसानी से समझ भी आई होगी। जो मैं 11/10 लिख रहा था वो एक्चुअली मैं ऐसे ही लिख रहा था मैं पहले भी। सो ए इंटू ऑफ 11/10⁻¹⁸ इज इक्वल टू बी इंटू ऑफ 11/10⁻¹⁰। देखो भाई 8 से 10 गया, 2 बचा, पावर काट दी मैंने, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू 11/10 इसका होल स्क्वायर, यानी कितना, 121/100 ऑफ बी। तो ए बटा बी कितना आ गया मेरे पास, ए बटा बी आ गया 121/100। ये मेरे पास अमाउंट का रेशो आ गया, यानी ये कितना हो गया, जोड़ो, यानी ए प्लस बी कितना दिया बेटा मेरे को, 66,300। यहाँ पे कितना आ गया, 121+100 221 यूनिट्स, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 66,300, कितने गुना, 300 टाइम्स। तो किसका पूछ रहा है वो, दोनों का पूछ रहा है, इसको करो जरा 3 से गुना, 36,300, और ये कितना हो गया, 30,000। बताओ भी इससे आसान तरीका क्या बताऊँ आपको मैं, ऑप्शन नंबर बी। बिकॉज बहुत लंबे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको ईजी करो, ईजी करो, कैलकुलेशन छोटी करो इसमें, ताकि डायरेक्ट आपको यहाँ पे कुछ आंसर मिल सके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सम ऑफ रुपीज 7500 अमाउंट टू 9075 एट 10% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली इन अ सर्टन ईयरली इन अ सर्टन द सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज ऑन अ सेम सम फॉर द सेम टाइम एट सेम इट इज करिए करो शाबाश। देखो वो कह रहा है कि भाई जो 7500 रुपए थे ना वो कितने हो गए, 9075, यानी कितने का इंटरेस्ट बैठा, 1575 का, कितने पे,
कि अगर मैं इसको काटूं 15, 105, 5 और ये 21%, इसका मतलब अगर टाइम मेरे पास 2 साल है, ठीक है, अगर मेरे पास क्या नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास 21% आ रहा है, तो डेफिनेटली रेट क्या होगा 10%, और टाइम कितना होगा 2 ईयर। ये बात समझ ली ना, अगर ये दो तीन चीजें समझ आ गई ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म है यहीं पे, क्लियर। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा भाई, पहले साल के लिए 10% और दूसरे साल के लिए भी 10%, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 20% हो गया, यानी 20% ऑफ 7500 कितना हो गया आंसर 1500। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर, नोट कीजिए फटाफट। काफी अच्छे क्वेश्चन है अगर आपको बेसिक्स पता हो इसका, तो जो कोर्स हम अवेलेबल करा रहे हैं उसमें बहुत बेसिक्स से बताएं, महीन चीजों को भी बताया गया, क्लियर है। चलिए, असम ऑफ मनी लैंड एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर 20% पर एनम वुड फेच 482 मोर इफ द इंटरेस्ट वॉज पेबल हाफ ईयरली देन इट वॉज पेबल एनुअली। द सम इज हाफ ईयरली क्वार्टरली के बड़े सारे क्वेश्चन है जो बच्चों को बड़े सारे परेशान करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं 20% और टाइम है 2 ईयर, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है भाई 20% का मतलब 5, यानी जो चीज 5 थी वो 6 होगी, जो चीज 5 थी वो कितनी होगी 6, यानी जो चीज 25 थी बच्चों वो कितनी होगी 36, यानी 11 का इंटरेस्ट कितने पे 25 पे गुना 100%, तो 25 चौका 100, यानी यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो टोटल आएगा वो कितना आएगा हर केस में 44%। अब हाफ ईयरली का मतलब क्या है, जो टाइम था वो हो गया डबल, टाइम हो गया 4 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया हाफ, यानी कितना इसका 10%। आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया मैंने कि अगर ये है तो ऐसे कर दो, 10 से 11 और ये भी क्या 10 से 11, या इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 10^4 / 11^4, यानी कितना हो गया 10,146.41, इजंट इट, बताओ मुझे, क्लियर है। इसका साफ सा मतलब ये है कि मेरे पास जो इंटरेस्ट आ रहा है ना वो कितना रहा 46.41% का, कैसे आएगा 4641/10,000 × 100% स्टूडेंट्स, तो कितना आ गया 46.41%, इजंट इट। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है, इनका डिफरेंस कितना दिया है 482, यानी 46.41% माइनस 44% इज इक्वल टू हाउ मच 2.41%, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 482, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 200, क्लियर। तो मुझसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, तो सम वो सम कितना होगा 100%, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 20,000, इज दैट क्लियर, क्योंकि परसेंटेज में जो 2.41 था प्रिंसिपल हमेशा मेरा 100% हो गया, बात चलना चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट का केस हो, क्लियर। तो भैया ऐसे जब क्वेश्चंस करोगे ना, जब सिलेक्शन होगा, और इसी तरह से सब आपको पूरे कोर्स में बताया गया जो बताऊंगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन आपको भी थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए, ए बोरोड सम ऑफ रुपीज 1,60,000 टू बी एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एट द टाइम ही लैंड द सेम सम टू सी एट द सेम रेट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब सेमी एनुअली का मतलब क्या है, वही आपका 6 महीने वाला जो कैसा पिछला क्वेश्चन किया था फॉर 2 ईयर्स, फाइंड द अमाउंट अर्न बाय ए इन द होल ट्रांजेक्शन, हाउ विल डू दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप। देखो सबसे पहली बात, ए बोरोड सम ऑफ 1,60,000 फ्रॉम बी 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है कि टाइम आपके पास 2 साल है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, यानी कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट 20% हो गया, यानी 20% ऑफ 1,60,000 इज हाउ मच, आपका हो गया सर 32,000, परसेंटेज चढ़ा के डिवाइडेड बाय 100, तो कितना होगा 1,600 × 20 32,000 हो गया। अब देखो सेमी एनुअली का मतलब क्या है, ध्यान से समझो, सेमी एनुअली का ये मतलब है कि आप लोग क्या कर रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ और टाइम डबल, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे पास 5% और टाइम कितना आ गया 4 ईयर, यानी ये कितना हो गया आपके पास 1/20, यानी 20 से 21
20 से 21 और 20 से 21, यही से आप ऐसे भी कर सकते हो 20 की पावर 4 और 21 की पावर 4। 21, अब समस्या क्या है कि 21 की पावर 4 कितनी होगी, ये याद रख लो, 194481 होता है, और 20 की पावर 4 कितना होगा, 160,000। इसका मतलब यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, 34481। डिफरेंस कितना मांगा इसका, इसका डिफरेंस ही मांगा कितना होगा, 2481, ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा सा याद कर लो, 21 की पावर 4 बहुत जगह पे डायरेक्टली काम आ जाएगी, 194481, इज दैट क्लियर। ये थोड़ा सा याद कर लो, आपको काम आएगी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 एट 20% पर एनम फॉर 9 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखो मैंने सेमी एनुअली का बता दिया, एनुअली का बता दिया, क्वार्टरली देखो, क्वार्टरली में क्या होता है, मैं जहाँ पे हाफ ईयरली में 6-6 मंथ के दो बनाऊंगा ना, यहाँ पे चार मंथ का मैं ऐसे इसको डिवाइड करूँगा, यानी एक साल की जगह मैं 4 साल की बात करूँगा, और जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% रहेगा, क्लियर। अब वो क्या कर रहा है, 9 मंथ यानी 3 साल की बात कर रहा है वो, यानी देखो 5% यानी 1/20, यानी 20 का क्यूब और 21 का क्यूब, 20 का क्यूब क्या हुआ 8,000, 21 का क्यूब कितना 9261, क्लियर। यानी इनका डिफरेंस कितना है 1261। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे प्रिंसिपल कितना दे, 16,000 कितने गुना, दो गुना, तो भाई इसको भी दो गुना कर दो, एंड में दो कहाँ आ रहा है, दो सब में ही आ रहा है, 24 और 122, वो कितना आ गया 2522 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। आया मज़ा डेफिनेटली आया होगा यार, ऐसे करोगे ना कंपाउंड इंटरेस्ट विदा फॉर्म लेके, और बस थोड़ी चीज़ें याद रखनी है, जैसे आपके पास 21 रेस्ट बार 4 कितना होता है 5% के लिए स्पेसिफिकली, 10% के लिए बता दिया 1464 46.41%। ये सारी चीज़ें जब तक रिमेंबर नहीं करोगे ना बहुत दिक्कत होगी, बिकॉज कैलकुलेशन बहुत ईजी नहीं आती है, क्लियर। चलिए इट्स ऑल अबाउट दिस, क्लियर। अब मैं आपको बता दूं, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको नबार्ड का फुल कोर्स, उसमें क्या क्या है, देखिए सबसे पहली बात है आपका फुल सिलेबस कवरेज है स्टूडेंट्स, सेक्शन एंड फुल नेट टेस्ट है आपके पास, आपके पास करंट अफेयर्स है, 23,000+ MCQs फॉर प्रैक्टिस है, डेडिकेटेड मेंटरशिप और क्लास PDF नोट्स मिल रहे हैं आपको, क्लियर। तो ये सब चीज़ें, और अब आपको मैं बता दूं वो कैसे आप अवेल करेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जो भी लिंक होंगे वो सब के सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मिलेंगे, क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स सर्वप्रथम जाएंगे अभी PDF पे, ये ऑफिसर बनने के लिए आपको जाना पड़ेगा नबार्ड असिस्टेंट मैनेजर आपका, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे वीडियो कोर्सेज के ऊपर, देखिए अगर आपको कोई डाउट होना, कोई इंक्वायरी हो, तो यहाँ पे भी आपने 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए, कॉल में व्हाट्सएप कीजिए, टीम वैसे ही आपसे जुड़ेगी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये रहा मेरे पास 515 लेक्चर, देखिए टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने इसमें 515 384 टेस्ट हैं आपके पास, क्वालिटी के टेस्ट, इन टेस्ट की बदौलत ही वो बच्चे ऑफिसर बने जो कल एक दिन आपके जैसे थे, तैयारी कर रहे थे। नेक्स्ट है 948 PDFs और 5552 आपको MCQs में वो लगे और ये मिल रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, सिर्फ और सिर्फ 9,000 में आप ऑफिसर बन सकते हो, अपना ग्रेड, आपका नबार्ड ग्रेड ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपये में, क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट है अगर आपको कोई डाउट हो तो 7833773651 पे आप कॉल भी कर सकते हो, क्लियर। और आपके पास यहाँ पे आई थिंक कुछ आपके पास कुछ डेमो लेक्चर्स भी हैं, वो भी देख सकते हो, क्लियर। सो प्लीज़ 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 मौका हाथ से मत गंवाने दीजिए, सही समय तैयारी करने का। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।